So the first one is, from the following information, calculate the profit and loss on sale of the debentures and the value of the closing balance of the debentures if method of valuation is FIFO, LIFO or weighted average. देखो बहुत ही बचकाना समय और मैं चाहता हूँ ये आप खुद कर लें. मैं आपको एक निकाल देता हूँ, एक काम करते हैं, वेटेड एवरेज वाला मैं निकाल देता हूँ, बाकी फीफो के लीफो आप निकाल लीजिएगा. सो हमने क्या करा है, बैलेंस 100 थे हमारे पास, डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच. देखो ये 100 ईच मतलब क्या हो गया बेटा, फेस वैल्यू इसकी 100 हो गई एंड 95 पे आपने खरीदा था. सो आपके लिए क्या हो गई, जो अमाउंट वाली कॉलम में हम लिखते हैं ना ये वो 95 है. परचेज 150 डिबेंचर्स और परचेज कर लिए 12% के 100 ईच मतलब फेस वैल्यू 100 की. कितने में परचेज करें हमने, 90x मतलब x इंटरेस्ट वैल्यू, और मेरे को तो यही वैल्यू चाहिए. एंड सोल 200 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 93x. अब वेटेड एवरेज से मैं निकाल देता हूँ प्रॉफिट या लॉस क्या है और क्लोजिंग की क्या वैल्यू है, आप बाकी फीफो से और लीफो से निकाल लीजिएगा. तो देखो मेरे लिए क्या हो गया, 100 into 95 ये तो थे ही मेरे पास, 150 into 90 ये और आ गया मेरे पास. टोटल ये 23,000 किसका खर्चा है, 250 का खर्चा है. तो 200 डिबेंचर, एक डिबेंचर का कितना हो गया 92. तो पहले तो मैं क्लोजिंग की वैल्यू निकाल देता हूँ, इंटू 50 कर देता हूँ तो क्लोजिंग की वैल्यू हो जाएगी. क्यों, क्योंकि क्लोजिंग है कितना मेरे पास, 50 डिबेंचर्स मेरे क्लोजिंग में और उनकी वैल्यू कितनी हो गई एज पर वेटेड एवरेज 4,600. एंड अब निकाल लेते हैं प्रॉफिट या लॉस. तो देखो हमने कितना निकाला था, इंटू 4 कर देता हूँ, देखो 18,400. अगर नहीं समझ में आया 18,400 कहाँ से लाया तो मैं बता देता हूँ आपको, डिवाइडेड बाई 200. देखो 92 रुपीज पर डिबेंचर की वैल्यू आई थी आपकी, मल्टीप्लाइड बाई 200. 18,400 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस डिबेंचर्स, 18,400 इज द कॉस्ट प्राइस. नाउ सेल्स प्राइस क्या है आपके लिए, तो सेल्स प्राइस इज इक्वल टू 200 into 93 विच इज इक्वल टू 18,600. तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 200 का प्रॉफिट हो गया. आया बहुत ईजी है ये. इसी तरीके से मैं चाहता हूँ फीफो की वैल्यू निकाले एंड लीफो की भी वैल्यू आप खुद निकाले. लेट्स लुक एट सम नंबर टू. मिस्टर इन्वेस्टर फर्निशेज यू द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू हिज होल्डिंग इन 16% डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपीज ईच. हर डिबेंचर की फेस वैल्यू क्या हो गई, 100. देखो आपको पता चल गया ना, एवरी डिबेंचर हैज अ फेस वैल्यू ऑफ 100 ऑफ वाई लिमिटेड एज हेल्ड एज करंट एसेट. देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमें क्या बता दिया है, हेल्ड एज करंट एसेट. जैसे ही आप पढ़ते हो हेल्ड एज करंट एसेट, आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए एंड यू शुड स्टार्ट सर्चिंग कि क्या क्लोजिंग ऑफ द ईयर पे मुझे मार्केट वैल्यू दी गई है कि नहीं दी गई है. एंड अगर दी गई है तो मैं जानता हूं मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी कॉस्ट को मुझे मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर करना पड़ेगा एंड मुझे पता करना पड़ेगा कि दोनों में से लीस्ट कौन है. इन द लास्ट लाइन ऑफ द सम आई कैन सी द मार्केट वैल्यू ऑफ 16% डिबेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड एज ऑन 31/12 इज 99. देखो इससे मुझे दो चीज पता चल गई, एक तो मार्केट प्राइस 99 है ये मुझे पता चला, एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे पता चला है दैट ईयर क्लोजिंग इज दिसंबर. दैट मींस हम जो हमारा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है हर सम में टाइमलाइन बनाना. ये साल हमारे लिए चालू कब होता है, ये साल हमारे लिए जनवरी में चालू होता है एंड खत्म कब होता है, दिसंबर में खत्म होता है. एंड दिसंबर को आपको मार्केट वैल्यू दी गई है तो वो लिख दीजिए, दिसंबर में 99 रुपीज इज द मार्केट प्राइस. अब आगे देखते हैं हमारे पास जो सम है उसमें, ऑन 1/1 देखो यहाँ से भी मुझे हिंट आ रहा है कि ये ओपनिंग है 1/1 जनवरी. ऑन 1/1/2013 ओपनिंग बैलेंस फेस वैल्यू इज 60,000 एंड कॉस्ट 59,000. क्लियर. अब हम डिबेंचर अकाउंट बनाना चालू कर दें तो हम यहाँ पर बनाते हैं हमारे लिए डिबेंचर अकाउंट, 16% डिबेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड. इस तरीके से हम अकाउंट बनाएंगे एंड अकाउंट में सबसे पहली चीज तो हम जानते हैं यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ओपनिंग. ओपनिंग में हम कितना लिखेंगे, फेस वैल्यू. फेस वैल्यू में कितना हो गया 69,000. कॉस्ट में कितना हो गया 59,000. एंड एक बीच की मिसिंग आइटम, हमेशा याद रखना डिबेंचर्स का सम कर रहा हूं मतलब फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज का सम कर रहा हूं, तो ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत ही स्पेशल होते हैं क्योंकि इसमें हिडन पॉइंट्स है. हिडन पॉइंट क्या है, अक्रूड इंटरेस्ट का. करेक्ट. सो अक्रूड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि कंपनी इंटरेस्ट देती कब कब है, तो वो देखते हैं हम. इंटरेस्ट डेट्स आर 30th September एंड 31st March. कब कब इंटरेस्ट मिलता है हमें, 30th September को और 31st March को मिलता है. तो देखो जनवरी अगर इधर है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, 31st March निकल कर आ जाएगा बराबर 31/3 एंड फिर हमारे पास 30th September भी आएगा तो दिस विल बी समवेयर हियर. तो ये हमारे लिए क्या हो गया 39. करेक्ट. ओपनिंग कब है, जनवरी में. लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा, तो लास्ट इंटरेस्ट मिला होगा सितंबर के अंदर. तो कितने महीने हो गए हमारे पास, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी, मतलब जनवरी तो 1 है तो 3 months हो गए हमारे पास. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 months का इंटरेस्ट निकाल के लिखना है. इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, तो फेस वैल्यू पे निकलेगा. तो हमारे लिए कितना हो गया
60,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि 3 मंथ्स का निकालना है, मल्टीप्लाइड बाई 16% कितना निकल कर आ गया, 2400. अक्रूड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2400. वेरी गुड. नेक्स्ट क्या दे रखा है, ऑन 1/3. पहले अब एक काम करते हैं, टाइम लाइन खत्म कर देते हैं, फिर आगे देखा जाएगा. करेक्ट, क्या है, ऑन 1/3 फर्स्ट मार्च को. करेक्ट, फर्स्ट मार्च मतलब 31st मार्च है यहाँ पर. इसके पहले क्या खरीदा है हमने, 100 डिबेंचर्स परचेज एक्स इंटरेस्ट 98. देखो मेरे को डिबेंचर्स एक्स इंटरेस्ट से ही चाहिए, और परचेज करा है यहाँ पर. देखो परचेज करा तो ऊपर की साइड लाइन बनाओ, ताकि आपके लिए इजी ध्यान हो. ऊपर जितना है उतना मिला है, परचेज हो गया, फिर हम आगे देखेंगे बोनस मिलता है हमें शेयर्स में. ऊपर की साइड जब भी मिला और नीचे की साइड जब भी गया, परचेज करा. कितना परचेज हमने करा, तो वी हैव परचेज 100 डिबेंचर्स, तो यहाँ लिख देंगे 100 डिबेंचर्स परचेज करे. एंड कितने पर परचेज करे, तो 98 और एक्स पे करे, इसलिए ई लिख दो ताकि आपको ध्यान रहे. करेक्ट, अब आगे देखते हैं. 1/7 को, कौन सी तारीख को, 1/7 को. 1/7 कब आएगा, कहीं यहां पर आएगा. सो 1/7 को हमने क्या करा है, वी हैव सोल्ड 200 डिबेंचर्स एक्स इंटरेस्ट 100. नीचे है सेल है तो यहाँ कर दो. ये कहाँ आ गया हमारे लिए, देखो यहाँ पर जो तारीख है, यहाँ पर हमारे लिए कौन सी तारीख हो गई थी, 1st of March, तो 1/3 लिख दो. यहाँ सेल की कौन सी तारीख हो गई हमारे लिए, 1 of July, तो हमारे लिए 1/7 हो गया. यहाँ पर कितने डिबेंचर हमने सेल करे, तो वी हैव सोल्ड 200 डिबेंचर्स. एंड हाउ मच, सो वी हैव सोल्ड देम एट एक्स इंटरेस्ट 100. करेक्ट, एक्स इंटरेस्ट की वैल्यू है ये भी. फिर क्या आ गया हमारे पास, 110 आ गया. 110 को वापस क्या हुआ है, परचेज हुआ है. 110 बोले तो इधर आ गया हमारे लिए, अगेन हमारे लिए क्या निकल कर आया, परचेज निकल कर आया. कौन सी तारीख को, 110 को, तो हम यहाँ लिख देंगे 110 परचेज. कितना परचेज करा है जी हमने, 50 परचेज करा. एंड एट व्हाट प्राइस, 98 कम इंटरेस्ट. वी हैव परचेज 50 एट 98 एंड कम इंटरेस्ट वाली वैल्यू है हमारे लिए. क्लियर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 111 को, 111 को हमने क्या करा है, सोल्ड 200 डिबेंचर्स एक्स इंटरेस्ट 99 मतलब यहां पर हो गया हमारे पास, वी हैव सोल्ड. कितना सेल करा है हमने, तो 111 को, एंड कितने डिबेंचर्स, 200 डिबेंचर्स वी हैव सोल्ड. एट व्हाट प्राइस, एट 99 एंड एक्स इंटरेस्ट की प्राइस पे हमने सेल करा है. सो ये हमारा पूरा टाइमलाइन बन गया. देखो ये होते ही ना आपको क्वेश्चन की अब एक्चुअली जरूरत नहीं, और अब बहुत कुछ आपका पार्ट खत्म हो गया. एक क्वेश्चन में अभी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन रह गई, एंड दैट इज ब्रोकरेज इज 1% टू बी चार्ज ऑन ईच ट्रांजैक्शन. तो हमें हर ट्रांजैक्शन पे ब्रोकरेज चार्ज करना पड़ेगा. अब ब्रोकरेज के थ्रू एक कंफ्यूजन आता है, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से. देखो तो अब जनवरी का मैंने ओपनिंग की एंट्री कर दी, इधर टिक कर दो ओपनिंग की एंट्री हो गई. अब ये परचेज वाली एंट्री कर रहे हैं तो इस पर टिक कर देते हैं, परचेज वाली एंट्री खत्म करेंगे. 1/3 को तो हम यहाँ लिख देंगे 1/3 वी हैव परचेज. हाउ मच हैव वी परचेज, 100 डिबेंचर्स. देखो 100 डिबेंचर्स तो फेस वैल्यू कितनी हो गई, 100 × 100 10,000 की फेस वैल्यू हो गई हमारे पास. एंड परचेज हमने कितने पे करा है, 98 एक्स इंटरेस्ट पे, तो 100 × 98 कर दो, कितना निकल कर आएगा, 9800 पर. 1% ब्रोकरेज है तो क्या कर दूंगा, +1%, तो कितना हो गया मेरे लिए, 9898. वेरी इजी. देखो क्या हुआ था, 100 डिबेंचर्स हमने खरीदे 98 की प्राइस पर हमने खरीदे हैं, +1% ब्रोकरेज और लग गया, तो 9898 हमारे लिए निकल कर आ गया. अब इंटरेस्ट का जो पार्ट है वो निकाल के लिख देंगे. देखो डिबेंचर के हर सम में परचेज हो, सेल हो, ओपनिंग हो, सिर्फ प्रॉफिट की एक ऐसी एंट्री होती है जिसमें इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचना है, बाकी हर एंट्री में आपको इंटरेस्ट के बारे में सोचना है. तो हमने कब परचेज करा है, 1/3 को परचेज करा, ट्रांजैक्शन डेट इज 1/3. लास्ट इंटरेस्ट डेट कब है, लास्ट इंटरेस्ट डेट इज सितंबर, क्योंकि 31st मार्च तो आने वाली है. करेक्ट, तो सितंबर से लेकर 1/3 कितने हो जाएगा, 5 मंथ्स हो जाएगा हमारे लिए. तो हम 5 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालते हैं, 10,000 × 16% इंटू 5 / 12, विच इज इक्वल टू 666 कर देते हैं. वी आर गोइंग टू राउंड ऑफ एवरीथिंग टू द नियरेस्ट रूपी. ओके, तो 667 निकल कर आ गया. अब तो मैंने परचेज की भी एंट्री कर दी. अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इंटरेस्ट की एंट्री है 31/3 को. 1/7 के पहले इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे, तो इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे तब हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे कि वी हैव रिसीव्ड इंटरेस्ट. एंड कौन सी कॉलम में लिखेंगे, तो ना तो हम फेस वैल्यू की कॉलम में लिखने वाले हैं, ना अमाउंट की कॉलम में, बीच वाली जो कॉलम है उसमें लिखेंगे. कितने डिबेंचर हो गए हमारे पास आज तक, 60,000 रुपीज के एंड 10,000 रुपीज के. इनके ऊपर क्या मिलेगा, 16% मिलेगा और आधे साल का मिलेगा, तो इंटू 6/12, तो कितना इंटरेस्ट मुझे मिलने वाला है, आई एम गोइंग टू गेट इंटरेस्ट वर्थ रुपीज 5,600. वेरी क्लियर, वेरी इजी. आगे बढ़ते हैं. अब क्या हो गया, हमारा सेल की बारी आई, तो सेल पे टिक करते हैं कि सेल के काम करना चालू करते हैं. 1/7 को हमने सेल करा, कितना सेल कर दिया है हमने,
तो सेल 200 डिबेंचर्स हमने सेल करे हैं, तो फेस वैल्यू क्या हो गया 200 इंटू 100 दिस इज इक्वल्स टू 20,000, 20,000 हो गया। कितने पे सेल करा है एट 100x इंटरेस्ट, तो यहां भी हमारे लिए कितना हो गया 20,000 हो गया। देखो सेल हो परचेज हो, हिडन एंट्री ओपनिंग हो क्लोजिंग हो, हिडन एंट्री इंटरेस्ट की आएगी आएगी और आएगी। तो कितना है देखो 17 को मैंने सेल करा, तो ट्रांजैक्शन डेट क्या हो गई 17, लास्ट इंटरेस्ट डेट क्या है 31 मार्च, तो गिनो कितने महीने में अप्रैल मई जून बराबर। देखो क्या हो गया 4th, 5th, 6th मंथ, 7th मंथ में तो ये हो गया हमारे लिए, तो 3 मंथ्स हो गए। तो कितना हो गया 20,000 इंटू 16% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 विच इज इक्वल्स टू 800 रुपीज आया, विच इज इक्वल्स टू 800 रुपीज। तो हमारे लिए यहाँ पर 800 रुपीज निकल कर आ गया सेल के ऊपर, क्लियर है। अब ये तो हुआ हमारे सेल का इंटरेस्ट, बट वी नीड टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस, एंड फॉर दैट वी नीड टू थिंक विच मेथड इज गोइंग ऑन। सो यहाँ हमको बोल रखा है फीफो मेथड इज गोइंग ऑन, तो फीफो मेथड है तो अच्छी बात है। क्यों देखो पहले हमारे पास कितने डिबेंचर थे, 60,000 रुपीज का डिबेंचर थे, डिवाइडेड बाई 100 कर दो तो कितने डिबेंचर पड़े, 600 डिबेंचर पहले के मेरे पास पड़े हैं, तो 600 डिबेंचर में से ही गया होगा क्योंकि ये तो 200 ही मैंने सेल करे। तो अगर 600 का प्राइस है 59,000, अगर 600 का प्राइस है 59,000 तो मेरे 200 का क्या प्राइस होना चाहिए, तो करते हैं 59,000 डिवाइडेड बाई 60,000 इंटू 20,000, तो जो भी मैंने बेचा है उसकी कॉस्ट मेरे लिए क्या है 19,666, मैंने कितने में बेच दिया 20,000 में, तो मुझे प्रॉफिट हो गया कितने का 333 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हो गया हमारे लिए 333। आया समझ में, देखो प्रॉफिट ही एक ऐसी एंट्री है जिसपे इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं सोचना है, वरना हर एंट्री पे इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। देन आफ्टर द सेल कम्स 30th 9, अगेन मेरे को इंटरेस्ट मिलने वाला है, अगेन मैं हाफ ईयरली का इंटरेस्ट लिखूंगा डैश डैश। देखो इस बार मेरे पास कितने डिबेंचर है, 60,000 थे, 10,000 और खरीदे पर 20,000 तो बेच दिए, तो 50,000 डिबेंचर ही है, तो 50,000 इंटू 16% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 विच इज गोइंग टू गिव मी 4,000, कितना निकल कर आ गया हमारे पास 4,000 रुपीज का मेरे को और इंटरेस्ट आया, क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या हो गया हमारे पास इंटरेस्ट के बाद, एक और परचेज करा है हमने 110 को, तो हम यहाँ पर परचेज की एंट्री देखते हैं, 110 को परचेज करा है हमने, कितने परचेज करे 50, तो फेस वैल्यू कितनी हो गई 5,000 इंटू 100, कितने पे परचेज करा 98 कम इंटरेस्ट पे, कितने परचेज करा 98 कम इंटरेस्ट पे। अच्छा एक गलती हो गई मुझसे, सेल पे मैंने ब्रोकरेज ध्यान नहीं दिया है, सेल पे मैंने ब्रोकरेज ध्यान नहीं दिया, तो एक थोड़ी माइनर कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गई हैं। तो हम देखो करते हैं 200 डिबेंचर्स हमने 100 पे बेचे थे, तो 200 कितना हुआ 20,000, 20,000 में सेल के टाइम पर ब्रोकरेज माइनस हो जाएगा, तो -1%। तो एक्चुअली ये हमने कितने में बेचा है, नॉट एट 20,000, एक्चुअली वी हैव सोल्ड इट एट 19,800, कितने पे बेचा है हमने 19,800, तो प्रॉफिट तो है पर 333 का प्रॉफिट नहीं है, 333 में से 200 माइनस कर दो 133 का प्रॉफिट है हमारे लिए, कितने का प्रॉफिट हो गया हमारे लिए 133 का प्रॉफिट हो गया। देखो परचेज पे ब्रोकरेज ऐड होगा, सेल पे ब्रोकरेज माइनस होगा, क्योंकि सेल के टाइम पर हमें ब्रोकरेज चुकानी पड़ेगी एंड परचेज के टाइम पर भी हमें ब्रोकरेज चुकानी पड़ती है, क्लियर। अब आगे देखते हैं, आगे हमारे लिए क्या निकला है, परचेज हमने 5,000 करे थे, सबसे पहले तो इस पे 98 कम इंटरेस्ट का प्राइस है, तो मुझे कम इंटरेस्ट से पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो देखो इंटरेस्ट निकालते हैं, ट्रांजैक्शन डेट क्या हो गई 110 है मेरे लिए, लास्ट इंटरेस्ट डेट क्या है हमारे लिए 30th 9, तो देखो 39 और 110 तो बेसिकली एक ही डेट हो गई, मतलब एक दिन का गैप है, तो जब एक दिन का गैप होता है ना तब इंटरेस्ट एक दिन का हम नहीं कंसिडर करते, इंटरेस्ट हम एक दिन का कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये जो यहाँ पर मैंने लिखा है बेसिकली ये इसी दिन है, क्योंकि एक दिन के गैप का इंटरेस्ट हमें नहीं लेना होता है कभी भी सम में, तो इंटरेस्ट कितना आएगा 0 आएगा। तो बेसिकली ये 98 कम इंटरेस्ट बोलकर भी क्या है, इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट वैल्यू ही है, तो हमारे लिए कितना हो गया 50 इंटू 98 जो हमारा है वो 4,900 हुआ, प्लस 1% हम कर लेंगे तो कितना निकल कर आया 4,949। सो यहाँ पर हमारा ब्रोकरेज के साथ 4,949 इज द अमाउंट, एंड इंटरेस्ट पहली बार क्या आएगा यहाँ 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि जिस दिन इंटरेस्ट मिलता है उसके जस्ट अगले दिन मैंने ले लिया है, तो अक्रूड इंटरेस्ट के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है, क्लियर। अब देखते हैं आगे, मैंने सेल करा, कब मैंने सेल कर लिया है, तो 111 को सेल करा है, तो सेल हमारे लिए कितने यूनिट सेल करे 200 यूनिट्स मैंने अगेन सेल करे, तो 20,000 मैंने अगेन सेल कर दिया, कितने पे सेल करा 99x इंटरेस्ट पे, तो 200 इंटू 99 ये हो गया 19,800 में मैंने बेचा -1%, तो कितने में हो गया 19,602, कितने में बेचा
19602 में बेचा, इंटरेस्ट की एंट्री कर ले तो देखो कितने मंथ हुए सिंस इंटरेस्ट 11 39 को मिला था, मतलब 10th मंथ, सिर्फ एक ही मंथ हुआ। तो हम करते हैं 20,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 16%, तो हमारे लिए कितना निकल कर आया 267 कर देते हैं, 267 क्लियर। अब प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, तो अभी भी फीफो ही मेथड चल रहा है, तो अभी भी इसी में से जा रहा है, क्यों, क्योंकि 60,000 डिवाइड बाई 100, 600 डिबेंचर्स है, पहले 200 बेचे और 200 बेच दिए, तो इसी में से जा रहे हैं अभी भी। तो कितना हो गया, 59,000 का कॉस्ट था मेरे 600 डिबेंचर्स के लिए, तो 200 डिबेंचर्स का कॉस्ट क्या होना चाहिए, 19666, मैंने कितने बेचे 19602, दैट मीन्स आई हैव अ लॉस ऑफ हाउ मेनी रुपीज, 65 रुपीज का मेरे को लॉस है, तो हम यहाँ पर लॉस लिख देंगे, दैट 65 रुपीज का हमारे को क्या हो गया, लॉस हो गया। अब सारा सन खत्म है, एंडिंग आ गया, पहले तो हम एंडिंग में हमारा कॉस्ट निकालते हैं एज पर फीफो। देखो बचा क्या है, ये 600 डिबेंचर थे, इसमें से 400 तो बेच दिए, तो यहाँ वाले 200 बचे हैं हमारे पास, फिर क्या हुआ है, यहाँ वाले 100 बचे हैं हमारे पास, और फिर क्या हुआ, यहाँ वाले 50 बचे हैं हमारे पास, इनकी और इनकी तो कॉस्ट है, इसके 200 की कॉस्ट निकाल लेते हैं, तो देखो फिर क्या हो गया, 59,000 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 200, तो ये हो गई कॉस्ट इस 200 के लिए, प्लस 100 वाले की क्या कीमत है, तो 9898, प्लस ये 50 वाले की क्या कीमत है, 4949। तो एज पर माई टोटल कॉस्ट फीफो के ऊपर से टोटल कॉस्ट कितनी निकलती है, 34513, कितनी निकल रही है, 34513.66 निकल रही है, डिवाइडेड बाय कितने डिबेंचर मेरे पास बचे हैं, तो हम वो चेक करें, 200 प्लस 100 प्लस 50, ऑल वी हैव इज 350 डिबेंचर्स, तो डिवाइडेड बाय 350 डिबेंचर्स, तो हर डिबेंचर की कीमत हमारे लिए कितनी निकल कर आई, 98, हमारे लिए कॉस्ट क्या है, 98, एंड देखा जाए तो मार्केट वैल्यू क्या है, 99, तो कौन जीता, कॉस्ट जीता, क्योंकि कॉस्ट लेस है, दैट मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हम लिख देंगे क्लोजिंग, कितने डिबेंचर्स है हमारे पास, क्लोजिंग 35,000 की फेस वैल्यू के हमारे पास हैं, जिनकी क्लोजिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, तो क्लोजिंग प्राइस आराम से हमने निकाल दी, इनटू इसको 350 कर देते हैं, तो हमारे लिए कितना यही जो था वही निकल कर आ जाएगा, इसको राउंड ऑफ कर देंगे, 34514 आया, 34514 क्लियर है। अब इंटरेस्ट अगेन याद रखना, क्लोजिंग पे भी इंटरेस्ट निकलता है, तो 35,000 इंटू 16% इंटू कितने महीने सिंस लास्ट इंटरेस्ट, दिसंबर में और सितंबर में मिलता है, तो इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 कितना हो गया, 1400 का हमारा इंटरेस्ट निकल कर आया। अब क्या करेंगे, तो अब हर जगह सेटल करना चालू करते हैं। देखो क्या होना चाहिए, फेस वैल्यू की कॉलम टैली होनी चाहिए एंड अमाउंट की कॉलम टैली होनी चाहिए, इंटरेस्ट की कॉलम में यहाँ पर हमारे पास जो बचता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं। तो पहले इंटरेस्ट की कॉलम, फेस वैल्यू की कॉलम टैली कर देते हैं। देखो यहाँ हमारे लिए कितना हो जाएगा, 75,000 एंड यहाँ हमारे लिए कितना हो गया, अगेन 75,000, गुड। कॉस्ट की कॉलम टैली कर लो, 59,000 प्लस 9898 प्लस 133 प्लस 4949, दिस इज इक्वल्स टू 73980 माइनस 19800 माइनस 19602 माइनस 65 माइनस 34514। देखो एक रुपये का डिफरेंस आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉइंट, तो क्या कर दो इसको, 31543 कर दो, हो गया हमारा काम इजी, 73980। अब बचा इंटरेस्ट वाली कॉलम, डिफरेंस निकालो, 5600 प्लस 800 प्लस 4000 प्लस 267 प्लस 1400 माइनस, मतलब यहाँ हमारा कितना टोटल हो गया इंटरेस्ट का, 12067 माइनस 2400 माइनस 667। सो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना चले गया इंटरेस्ट के नाम पर, पूरे साल में इंटरेस्ट के नाम पर मैंने 9000 रुपये कमाए, एंड पूरे साल में एक बार मुझे कैपिटल गेन हुआ था 133 रुपीज़ का, एंड एक बार मुझे लॉस हो गया था 65 रुपीज़ का। सो दिस इज हाउ दिस सम इज डन, वी लुक इन टू वन मोर सम, दैट इज सम नंबर 3। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर ऐसा है, माधुरी दीक्षित परचेज्ड, देखो हमारे जैसे कि तो लाइफ में माधुरी दीक्षित भी किताबों में ही आती है, रियल लाइफ में कभी नहीं आनी। सो माधुरी दीक्षित परचेज ऑन 1st मार्च 2013 24,005% भारत डिबेंचर स्टॉक करेक्ट एट 90 कम इंटरेस्ट। तो फिर क्या हो गया, हमने क्या करा है, डिबेंचर खरीदा है, कौन सा वाला, 5% डिबेंचर, क्लियर। हमने कब परचेज करा है, ऑन 1st मार्च 2013। देखो अगेन मेरे को इस सम में, इस पूरे सम में हमेशा क्या चाहिए, मेरे को टाइमलाइन चाहिए। टाइमलाइन के बिना क्या हम फंक्शन करेंगे, टाइमलाइन के बिना हम फंक्शन नहीं कर सकते, सो वी वांट द टाइमलाइन। टाइमलाइन के अंदर क्या है, हमने परचेज 1st मार्च को करा है,
पर क्या हमारा ईयर स्टार्टिंग फर्स्ट मार्च है ये नहीं पता, तो पहले फटाफट पूरा सम रीड करते हैं और देखते हैं ईयर स्टार्ट कब है, ईयर एंड कब है। अगेन 5% डिबेंचर्स एट 90 कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट है मतलब मुझे प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट बीइंग पेबल ऑन 31st मार्च एंड 30th सितंबर। देखो इतना तो पता चल गया, 31st मार्च और 30th सितंबर को इंटरेस्ट दिया जाता है ईच ईयर। स्टैंप एंड द एक्सपेंसेस ऑन द परचेजेस अमाउंट टू 20 एंड ब्रोकरेज अमाउंट टू 2 रुपीज। देखो यहाँ पर अब कुछ है ना, परचेज के साथ साथ कुछ एक्सपेंसेस जोड़ दिए और कुछ ब्रोकरेज जोड़ दी, तो ये इसका भी कुछ पॉइंट निकल कर आएगा। एंड एंड वॉज चार्ज ऑन द कॉस्ट, इंटरेस्ट फॉर द हाफ ईयर वॉज रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट, जब जब डेट आई तब तब इंटरेस्ट दे दिया। ये वो हमारी साइलेंट एंट्री है जो हमें अपने आप मारनी पड़ती है। ऑन 1st सितंबर 10,000 ऑफ द स्टॉक वॉज सोल्ड एक्स इंटरेस्ट पे, ठीक है सोल्ड, सेल पे भी ब्रोकरेज है। 30th सितंबर को भी कुछ हुआ था उसके ऊपर भी ब्रोकरेज और चार्ज है। ऑन 1st दिसंबर भी 6,000 का हमने कुछ करा था, देखो अभी तक हमें ईयर एंडिंग नहीं मिला, मिल गया। द मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक एज ऑन 31st दिसंबर वॉज इतना, मार्केट प्राइस कब देते हैं, ईयर एंड की तारीख का ही कंपनी बुक वाले हमको देते हैं। शो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st दिसंबर, मतलब मेरा ईयर अगेन क्या हो गया, जनवरी से चालू होकर दिसंबर में खत्म होता है, मुझे मेरे इंटरेस्ट की भी डेट्स मिल गई। मेरी इंटरेस्ट की डेट क्या है, एक है 31st मार्च, बराबर एक मेरे लिए क्या हो गई 31 मार्च, एंड एक क्या हो गई मेरे लिए 30th सितंबर। ये दो तारीख हो गई मेरे लिए, बहुत अच्छा। अब मैं टाइमलाइन बना सकता हूँ आराम से। एक और चीज जो हम नीचे रीड करते हैं, क्या करना है, अज्यूमिंग फीफो मेथड, तो एक और बहुत हाईलाइट इंपॉर्टेंट चीज हो गई, प्रॉफिट प्रॉफिट जब भी निकालना रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक जब भी निकालना रहेगा, तब फीफो के तरीके से निकालना रहेगा। एंड माधुरी दीक्षित होल्ड्स द भारत डिवेंचर एज करंट एसेट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने थियरी पढ़ते टाइम आपको बताया था, अगर हम एज अ करंट एसेट रखते हैं, अगर हम एज अ करंट एसेट रखते हैं तो ईयर एंड में मार्केट वैल्यू भी देखने के बाद ही हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू डिसाइड कर पाएंगे। और एक और चीज लिखिए, कैलकुलेशन शुड बी मेड इन द मल्टीपल ऑफ द रुपी, मतलब पॉइंट में फिगर आए तो रुपी में कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है हम कर देंगे। अब हम टाइमलाइन बनाते हैं, देखो पहला क्या है, ऑन 1st मार्च 2014 हमने परचेस करा है, करेक्ट, तो हमने क्या करा है, परचेस करा है, कहाँ परचेस करा है, यहाँ परचेस करा है, तो परचेस हमने किस पे करा है, 90 कम इंटरेस्ट पे परचेस करा है हमने, करेक्ट, 90 कम इंटरेस्ट पे परचेस करा है। तो पहले तो हम इसकी एंट्री मार देते हैं, तो देखो हमारे पास क्या हो गया, हम यहाँ पर लिख सकते हैं हमने करा है परचेज, परचेज आएगा डेबिट साइड पर, फेस वैल्यू कितना का हो गया 24,000 का हमने करा, एंड 90 कम इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है आपको पता है, देखो 24,000 × 90% करना रहेगा, मतलब हमने कितने में खरीदा है 21600 में खरीदा है, पर ये तो हमारी कौन सी वैल्यू है, कम इंटरेस्ट की वैल्यू है, तो हमें तो इंटरेस्ट की वैल्यू निकाल कर इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो 21600 को मैं मेमोरी प्लस में भेज देता हूँ। अब निकालते हैं इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट किस पे होगा, आज से लेकर ट्रांजैक्शन डेट से लेकर लास्ट इंटरेस्ट डेट के बीच में जो डिफरेंस है उसके अंदर, लास्ट इंटरेस्ट डेट और ट्रांजैक्शन डेट के अंदर क्या फर्क है, 31/9 से लेकर आगे, तो क्या होगा, अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, 1st मार्च को मैंने परचेस कर लिया 5 मंथ्स, तो हम निकालते हैं 5 मंथ्स का इंटरेस्ट, फेस वैल्यू क्या है 24,000 इंटू हाउ मेनी परसेंट, इंटू 5% इंटू 5 मंथ्स डिवाइडेड बाई 12, कितना हो गया हमारे लिए 500, मतलब इंटरेस्ट का जो पार्ट है हमारे लिए, इंटरेस्ट का जो पार्ट है वो हमारे लिए कितना हो गया, 500 रुपीज का इंटरेस्ट आ गया परचेस के साथ। याद रखना परचेस के साथ इंटरेस्ट कितना आ गया, 500 रुपीज का हमारे लिए इंटरेस्ट आ गया। अब जो एक पॉइंट है वो ये है कि हमने इसको परचेस कितने पर करा था, तो हमने 21600 पर परचेस करा, देखो ये थोड़ा प्रॉब्लम। अब मैं आपको ये बताता हूँ, जब भी क्वेश्चन में अगर ब्रोकरेज दे रखा हो परसेंटेज एंड कोई भी चार्ज दे रखा हो तो क्या करना है, तो सबसे पहले देखो परचेज हो रहा है कि सेल हो रहा है, अगर परचेज हो रहा है तो ब्रोकरेज प्लस होगा, चार्ज प्लस होगा, अगर सेल हो रहा है तो ब्रोकरेज माइनस होगा, चार्ज माइनस होगा। सेकंड देखो, एक्स इंटरेस्ट वैल्यू की बात हो रही है कि कम इंटरेस्ट वैल्यू की बात हो रही है, क्योंकि जिस भी वैल्यू की बात हो रही है उसके ऊपर ही ब्रोकरेज और कमीशन लगने वाला है या चार्ज लगने वाला है, तो इस सब में हमारे लिए कौन सी बात हुई थी, 90 कम इंटरेस्ट के ऊपर। तो सबसे पहले देखो 24,000 × 90%, तो ये कितना हो गया हमारे लिए 21600। अब x दिया है कि कम दिया है कोई बात नहीं, जो भी दिया है उस पर परचेज है तो ब्रोकरेज ऐड होगा और चार्जेस ऐड होंगे। कितना परसेंट है हमारा ब्रोकरेज, 2% है, तो इसमें क्या करेंगे, +2%, बराबर। फिर और क्या करना है हमारे को, 20 रुपीज चार्ज करना है, तो +20 रुपीज। तो टोटल कम इंटरेस्ट वैल्यू, टोटल कम इंटरेस्ट वैल्यू क्या हो गया, 22052।
इसमें से क्या करो, इंटरेस्ट माइनस कर दो. इंटरेस्ट कितना था हमारा, तो इंटरेस्ट है हमारा 500 रुपीज, तो कितना हो गया 21552. आया समझ में, कैसे निकाली 21552 इसकी वैल्यू है. किस तरीके से निकाली, वापस निकाल दूं? चलो वापस करते हैं. सबसे पहले हमने क्या करा, इंटरेस्ट निकाला. इंटरेस्ट किससे निकलता है, तो इंटरेस्ट निकलता है जो हमारी फेस वैल्यू है उससे. फेस वैल्यू कितनी है, 24,000 है. इंटू 5% करा तो कितना निकल कर आया, 1200 निकल कर आया. ये जो 1200 हमारे पास निकल कर आया, ये कितने महीने का है, ये तो सारे महीने का है. मेरे को मेरा ट्रांजैक्शन डेट और लास्ट इंटरेस्ट डेट के बीच में डिफरेंस कितना है, 5 मंथ्स का. तो इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12 कितना इंटरेस्ट निकल कर आया, 500. मतलब ये तो पता है कि ये जो भी कम इंटरेस्ट वैल्यू आ रही है इसमें से 500 माइनस होगा. अब ये जो भी कम इंटरेस्ट वैल्यू आ रही है ये कंप्यूट करते हैं. कितना था, 24,000 at 90 मतलब 90%, तो कितना हो गया 21600. इसमें जोड़ देंगे क्योंकि परचेज है, तो जोड़ेंगे ब्रोकरेज और जोड़ेंगे ये, और सेल होता तो माइनस माइनस करते. एंड जो वैल्यू दिए उस वैल्यू पे करना, तो 21600 हो गया. इसमें ब्रोकरेज जोड़ दो, ब्रोकरेज कितना निकल कर आया, प्लस 2%, प्लस हम कितना कर देंगे 20 रुपीज, क्योंकि वो हमारा चार्ज लग गया था इसके अंदर. कितना हो गया 22052. ये क्या है, ये है कम इंटरेस्ट वैल्यू विद एक्सपेंसेस. माइनस कर देंगे इंटरेस्ट 500 रुपीज का, तो कितना निकल कर आया 21552. क्लियर है, अब कैलकुलेशन हम फटाफट कर सकते हैं. अब देखते हैं क्या हो, अब आएगी कौन सी तारीख हमारी, 31/3 की तारीख आएगी, क्योंकि नेक्स्ट तारीख जो मुझे दिख रही है वो तो 1 सितंबर दिख रही है इस क्वेश्चन के अंदर. तो 31/3 को तो क्या मिलेगा मुझे, इंटरेस्ट मिलेगा. तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, इंटरेस्ट रिसीव होंगे हम कितना का. देखो फेस वैल्यू में कुछ नहीं लिखना, अमाउंट में कुछ नहीं लिखना, किस में लिखना है, सिर्फ इंटरेस्ट की कॉलम में लिखना है. कितना इंटरेस्ट मिलेगा हमें, 6 मंथ्स का मिलता है भाई, जब भी मिलता है. तो 24,000 × 5% × 6 / 12 कितना आया मेरे हाथ में, 600 का इंटरेस्ट आ गया मेरे हाथ में. आगे देखते हैं, ऑन 1 सितंबर, मतलब यहाँ आ गया हमारे पास, ऑन 1 सितंबर 10,000 ऑफ द स्टॉक वॉज सोल्ड एट 92. सोल्ड करा है, सेल करा है, मतलब नीचे डंडी बनाएंगे, सेल करेंगे. किस पे सेल करा है, 92, और ये एक्स इंटरेस्ट वैल्यू है, करेक्ट. और सेल पे ब्रोकरेज माइनस होएगा, कितना ब्रोकरेज था हमारा, 2% का ब्रोकरेज है, और 2% का हमको ब्रोकरेज माइनस करना है. आया क्लियरली समझ में. अब ये क्या करते हैं, तो इसकी एंट्री करते हैं. देखो सेल्स हम यहाँ लिखेंगे कि हमने सेल करा, कितने का सेल करा है हमने, 10,000 रुपीज का स्टॉक. मतलब ये जो होता है ये फेस वैल्यू होती है हमेशा, तो 10,000 की फेस वैल्यू का स्टॉक कर दिया. कितने पे कर दिया, 92 पे. तो क्या हो गया, 10,000 × 92% कितना आ गया यहाँ पर, 9200. ये एक्स इंटरेस्ट है, हम अमाउंट की कॉलम में एक्स इंटरेस्ट ही लिखते हैं, तो ये हमारा क्लियरली आ गया. फिर हम निकालते हैं, सॉरी ये हमारा क्लियरली नहीं आया. क्यों नहीं आया, क्योंकि ये तो एक्स इंटरेस्ट वैल्यू से ब्रोकरेज कमीशन माइनस करना रह गया, करेक्ट. सो ये हमारा जो अमाउंट है ये हमारा करेक्ट नहीं है. मैं वापिस आपके लिए लिख देता हूँ, कितना हो गया हमारा सेल, 10,000 की फेस वैल्यू है, 92 एक्स इंटरेस्ट है, तो 10,000 × 92% ये तो हो गया, पर इसमें से क्या माइनस करना रह गया, मेरा ब्रोकरेज माइनस करना रह गया. तो हम क्या करेंगे, -2%. कितना निकल कर आया हमारे पास, 9016. कितना निकल कर आया, 9016 हमारे पास निकल कर आ गया. अब सेल है तो प्रॉफिट और लॉस तो होना ही है, और इंटरेस्ट भी निकालना है. तो पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं. इंटरेस्ट क्या होगा, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था वो देखो. तो मेरी ट्रांजेक्शन डेट क्या है, 1 सितंबर. 1 सितंबर से लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा, 31/3 को. कितने महीने हो गए, 5 महीने हो गए. तो 5 महीने का इंटरेस्ट यहाँ लिखना पड़ेगा, 10,000 × 5% × 5 / 12 कितना निकल कर आया हमारे पास, 208.33. और इधर क्या बोला था कि हमें कैलकुलेशन पॉइंट में नहीं लेके जाना, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 208. राउंड पहले कर देंगे, 6 या 5 होता तो हम आगे राउंड करते. आया क्लियरली समझ में. अब देखो हम निकालते हैं परचेज या सेल. कौन सा मेथड बोला है हमारे को, फीफो मेथड बोला है. तो देखो एकदम सिंपल रिलेशन है. ये 24,000 जब हमने खरीदे थे तब पैसे कितने लगे थे, 21552 लग गए थे. तो मैं ऐसा करूं, 21552 / 24,000, तो मेरे को मिल गया 1 का कितना रुपए लगा था, मल्टीप्लाइड बाय 10,000, तो मुझे 10,000 के कितने रुपए लगने चाहिए थे, 8908 रुपए मेरी कॉस्ट है, जिसको मैंने कितने में बेचा है, 9016 में बेचा है. दैट मींस आई हैव अ प्रॉफिट. कितने का प्रॉफिट, 36 का प्रॉफिट. प्रॉफिट कौन सी साइड जाता है, तो डेबिट साइड जाएगा. यहाँ हम लिखेंगे प्रॉफिट. प्रॉफिट हम कौन सी कॉलम में लिखते हैं, ना तो फेस वैल्यू में लिखते हैं ना इंटरेस्ट में लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 36. आया समझ में. अब देखो क्या है, कौन सी तारीख है, ऑन 30th September 8,000 स्टॉक वॉज परचेज. देखो आपने अब कब परचेज करा है, 30th September को परचेज करा है. जब आप 30th September को परचेज करोगे, 30th September तो क्या है, हमारी ट्रांजेक्शन डेट है. ये तो बहुत यूनिक हो गया,
कि हमारे को जिस दिन इंटरेस्ट मिल रहा है उसी दिन हमारा ट्रांजेक्शन डेट हो गया। इस केस में हमारे को क्या करना चाहिए, तो देखो सबसे पहले तो हम परचेस की एंट्री लिखते हैं। हम यहाँ लिखेंगे हमने परचेस करा है, सो हम लिखते हैं परचेस करा। कितने की फेस वैल्यू की चीज परचेस करिए, 8000 की फेस वैल्यू की चीज परचेस करिए, तो हम यहाँ 8000 लिखेंगे। फिर स्टॉक ऑफ परचेज 91x इंटरेस्ट प्लस लेस ब्रोकरेज, ये लेस नहीं होगा, प्लस ब्रोकरेज 2% एंड चार्ज 10 रुपीज। देखो तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं, 8000 की चीज थी उसको हमने कितने पे लिया, एट 91% पे, तो इनटू 91% 7280 ये वैल्यू आई हमारी यहाँ पर। इसमें क्या करना है, क्योंकि परचेज है तो ब्रोकरेज ऐड करना है। कितना ब्रोकरेज है हमारे पास, 2% ब्रोकरेज है, तो प्लस 2% करेंगे हम, और उसमें कितना रुपये ऐड कर देना है, प्लस 10 रुपये का चार्ज ऐड कर देना है। तो हमारी वैल्यू कितनी निकल कर आई, 7435.6, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 7436। ये क्या निकल कर आ गई, 7436 की हमारी ये वैल्यू निकल कर आई। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि हमें क्या निकालना है, इस दिन को तो इंटरेस्ट भी मिलने वाला है, इस दिन को 39 को, तो जब हमने परचेज करा होगा तो हमको यहाँ इंटरेस्ट भी लिखने की बारी आएगी। इंटरेस्ट हमें कितना लिखना होगा, तो बहुत सिंपल है, हमारा ट्रांजैक्शन डेट और वो लास्ट इंटरेस्ट डेट क्या है, तो देखो ट्रांजैक्शन डेट ये है एंड लास्ट इंटरेस्ट डेट हमारी क्या है, 6 महीना। दैट मीन्स 6 महीने का इंटरेस्ट मैं सामने वाले को देऊंगा एंड मेरे को कंपनी दे देगी। देखो हुआ क्या, आपने जैसे ही 6 महीने खत्म हुए ना वैसे ही खरीदे, सामने वाला आपसे क्या डिमांड करेगा, तू मेरे को 6 महीने का इंटरेस्ट दे दे, तुरंत कंपनी तेरे को 6 महीने का इंटरेस्ट वापस दे देगी। हमने बोला ठीक है, तो हमारे लिए कितना हो गया, 8000 × 5% × 6/12 कितना हो गया यहाँ पर, 200 रुपये। अब इसी दिन मुझे इंटरेस्ट मिलना भी है, इसी दिन मुझे इंटरेस्ट मिलना भी है, तो मैं यहाँ लिखूंगा इंटरेस्ट। अब देखो मेरे पास कितने डिवेंचर है, तो देखो फेस वैल्यू 24000 के डिवेंचर थे, प्लस 8000 के और खरीद लिए, पर 10000 के तो बेच दिए, तो कितना फेस वैल्यू है मेरे पास, 22000 के फेस वैल्यू के मेरे पास डिबेंचर्स हैं, इनके ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, तो इंटू 5% × 6/12 कितना निकल कर आया, 550। इंटरेस्ट कितना निकल कर आया, 550 आया साथ में इंटरेस्ट का। आगे देखते हैं, ऑन 1st December 6000 रुपीज स्टॉक वॉज सोल्ड एट 94 कम इंटरेस्ट लेस ब्रोकरेज 2%। देखो सेल करा है, कब सेल करा है हमने, ऑन 1st December सेल करा है, तो नीचे की लाइन बनाएंगे, कितने में हमने सेल करा है ये चीज, तो 94 और कम इंटरेस्ट के ऊपर हो जाएगा हमारे लिए। अब करते हैं इसके अंदर, देखो सबसे पहले तो कम इंटरेस्ट है, तो पहले इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। हम यहाँ पर इतना तो लिख सकते हैं कि हमने क्या करा है, हमने सेल करा है, कितने की हमने सेल करी है, फेस वैल्यू 6000 की, और सामने इंटरेस्ट लिख देते हैं, तो यहाँ क्या हो गया मेरे लिए, 6000 × how many% × 5% कब मैंने करा है, 1st December को, लास्ट इंटरेस्ट डेट से अभी तक कितना डिफरेंस हो गया, अक्टूबर नवंबर 2 महीने हो गया मेरे लिए, तो × 2/12 50 रुपीज निकल कर आया। सो इंटरेस्ट की कॉलम में मेरे लिए कितना निकल कर आ गया, इंटरेस्ट की कॉलम में मेरे लिए 50 निकल कर आ गया। अब क्या है, अब हम यहाँ देखते हैं यहाँ हमारे पास क्या निकल कर आने वाला है, तो देखो मेरे पास कम इंटरेस्ट वैल्यू आएगी, उसमें से 50 माइनस कर दूंगा तो एक्स इंटरेस्ट वैल्यू हो जाएगी जो मैं यहाँ लिख दूंगा। तो पहले कम इंटरेस्ट वैल्यू निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 6000 × 94% ये निकल कर आया, माइनस क्या कर दूंगा मैं, ब्रोकरेज 2%, तो -2% मैंने ब्रोकरेज कर दिया, तो कितना निकल कर आया, 5527। फिर से करते हैं, 6000 × 94% −2% तो कितना निकल कर आया, 5527। ये क्या है, कम वैल्यू है, इसमें से क्या करेंगे, 50 माइनस कर देंगे, तो -50 इधर कितना निकल कर आ गया मेरे पास, 5477 आया सामने, कितना निकल कर आ गया, 5477। अब क्योंकि सेल करा है, क्योंकि सेल करा है, क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ेगा। कौन सा मेथड फॉलो करते हैं हम, फीफो मेथड फॉलो करते हैं। ये कॉस्ट था किसके लिए, 24000 का। देखो अभी तक तो मेरा ये वाला माल ही नहीं बिका है, 24000 उसमें से 10 ही बेचे, तो 14000 तो अभी भी पड़े, तो फीफो के हिसाब से इसमें से ही जाएगा, तो कितना हो गया, डिवाइडेड बाय 24000, ये निकली कॉस्ट एक की। अगर ये एक की कॉस्ट थी तो 6000 की क्या कॉस्ट थी, 6000 की कॉस्ट थी 5388 की चीज मैंने कितने बेच दी, 5477 पे, तो मेरे को फिर से प्रॉफिट हो गया, कितना प्रॉफिट हो गया, 89 रुपीज का मेरे को फिर से प्रॉफिट हो गया। अब देखते हैं आगे क्या दिया है सब में हमको, अब दिया सीधा 31st December की वैल्यू। देखो 31st December के लिए पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मेरे को लिखना पड़ेगा क्लोजिंग, क्लोजिंग कितना है मेरे पास, पहले वो निकालते हैं। तो देखो अब यहां से टोटल टोटल करना चालू कर देते हैं,
इधर का टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास फेस वैल्यू का 24,000 प्लस 8,000 माइनस 32,000 है इधर का टोटल, माइनस क्या कर देंगे माइनस 10,000 माइनस 6,000, तो मेरा क्लोजिंग कितना निकल कर आ गया 16,000 का क्लोजिंग निकल कर आ गया। और जैसे ही क्लोजिंग या ओपनिंग लिखेंगे, जैसे ही क्लोजिंग या ओपनिंग लिख लेंगे, अक्रूड इंटरेस्ट की वैल्यू लिखना मत भूलना। अब अक्रूड इंटरेस्ट की वैल्यू लिखेंगे, अक्रूड इंटरेस्ट की वैल्यू क्या होगी, क्लोजिंग कब है 31 दिसंबर, लास्ट इंटरेस्ट डेट क्या 31/9, 3 महीने का गैप हो गया, इस पे 3 महीने का निकाल दो, इंटू 5% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 कितना निकल कर आ गया 200 रुपीज। अक्रूड इंटरेस्ट की वैल्यू क्या हो गई 200 हो गई, अक्रूड इंटरेस्ट की वैल्यू क्या हो गई 200 हो गई। अब निकालते हैं क्लोजिंग में क्या लिखेंगे। देखो एक क्लोजिंग है जो हमारे को बुक में दे रखी है 88.5 की, अगर मैं 88.5 मानूं मतलब क्या हो गया 16,000 इंटू 88.5%, मतलब एक क्लोजिंग वैल्यू जो मेरी है एज पर फीफो दैट इज 14160, सॉरी नॉट एज पर फीफो, एज पर करंट मार्केट प्राइस। अब मैं कंपेयर करता हूं इसको मेरी कॉस्ट से, मेरी कॉस्ट क्या हो गई फीफो के हिसाब से जो मेरी कॉस्टिंग आएगी वो, देखो ये 16,000 जो है ना इसमें क्या है, तो पहले सोचो ये जो 24,000 था इसमें से 10,000 चले गया और इसी में से 6,000 चले गया, तो ये जो 16,000 है ये कैसा है 8,000 पहले का और 8,000 अभी का, ये कॉस्ट है। अगर 8,000 पहले का है तो उसकी क्या कॉस्ट है, तो देखो हम करते हैं 21552, ये कॉस्ट थी 24,000 की, तो 8,000 की कितनी होगी इंटू 8,000, ये निकली पहले 8,000 की कॉस्ट और अब के 8,000 की कॉस्ट, अब के 8,000 की कॉस्ट तो यहाँ दे ही रखी है आपको 7436 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल। तो अगर मैं फीफो के हिसाब से जाऊँ तो वैल्यू क्या है 14620। देखो फीफो के हिसाब से वैल्यू ज़्यादा है कि करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से, फीफो के हिसाब से, तो कौन हार गया फीफो हार गया। हम यहाँ क्या लिखेंगे करंट मार्केट प्राइस लिखेंगे, कितना लिखना पड़ेगा हमको 14160, और जैसे ही हमने 14160 लिखा है वैसे ही हमको क्या लिखना पड़ जाएगा लॉस लिखना पड़ जाएगा, और कितने रुपए का लॉस हो गया इसका डिफरेंस 14620 माइनस 14160 460 रुपीज, तो यहाँ कितना लॉस हो गया मेरे को 460 रुपीज का लॉस हो गया। आया क्लियरली समझ में। अब बाकी के चीजें क्लोज करते हैं, तो इंटरेस्ट की कॉलम क्लोज करो क्या हो जाएगा 600 प्लस 208 प्लस 550 प्लस 50 प्लस 200 कितना निकला 1608 यहां माइनस कर दो माइनस 500 माइनस 200 इधर कितना निकल गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपका इंटरेस्ट जाएगा 908 रुपीज से। क्लियर है। एंड लास्ट कॉलम जब हम करेंगे तो हमारे लास्ट कॉलम क्या होनी चाहिए हमेशा टैली होनी चाहिए, टैली नहीं हुई मतलब कुछ ना कुछ मगजमारी है। करते हैं 21552 प्लस 36 प्लस 7436 प्लस 89 प्लस इस साइड माइनस कर देंगे तो यहाँ टोटल मेरा कितना निकल कर आया टोटल इज 29113। क्या करेंगे माइनस फर्स्ट अमाउंट टू माइनस इज 9016, सेकेंड अमाउंट टू माइनस इज 5477, थर्ड अमाउंट इज 14160 माइनस 460। वेरी गुड, पूरा टैली हो गया मेरा तो अच्छा है, मेरे को आता है आपको भी आ गया आया समझ में। तो दिस इज द सम, दीज आर द 3 sums जो मैंने आपके लिए करे हैं, बाकी sums हमारे पास और भी हैं प्रैक्टिस में जो आपको करने चाहिए एंड दे विल हेल्प यू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग। करेक्ट। सो हमको समझ में आ गया ब्रोकरेज होगा तो प्लस करेंगे परचेज के टाइम पर, कोई भी खर्चा होगा परचेज के टाइम पर प्लस करेंगे, सेल के टाइम पर माइनस करेंगे। ब्रोकरेज का जो परसेंटेज है वो किस पे निकालना है तो वेरिएबल है, जिस पे सौदा हुआ उस पे निकाल दो, अगर एक्स इंटरेस्ट पे सौदा हुआ है उस पे निकाल दो, कम इंटरेस्ट पे सौदा हुआ है उस पे निकाल दो। इसी तरीके से आपको हर सम करना है। आई बिलीव आफ्टर दिस 1-3 sums यू विल बी वेरी क्लियर विद हाउ दिस गोज। ओके, अब मैं डिबेंचर के छोड़ रहा हूँ, अब मैं रूल्स पे आ रहा हूँ, शेयर्स वाले रूल पे।